हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सी बी एंड यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है एलडीसी, जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसके व्यू से। तो इसमें आपको पूरे जो बोगी के अंडर फ्रेम जो कोचेज़ हैं, या उसके सेल हैं, या उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, बफर हाइट है, सी बी सी है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में बाय ऑप्शन सहित आपको आ जाएंगे। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। मैंने क्वेश्चन आंसर भी प्रीवियस ईयर का कराया है, जिसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर करके, उसमें आप जाके देख सकते हैं। यही सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से, नहीं ध्यान देने की वजह से नहीं आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। बहुत ही इजी से शुरू होगा, हल्का से शुरू होगा और भारी पड़ जाएगा। चलिए पहला नंबर क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LHB? LHB कोच का जो फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैनबुश है, आपको मालूम है जर्मनी की जो कंपनी है वहाँ से इसको लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, वट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच? LHB कोच का जो लेंथ ओवर बॉडी है, मतलब खाली बॉडी, ठीक है, कपलर छोड़ के बॉडी का अगर आपसे पूछे, बफर वगैरह जो भी है छोड़ के, बफर तो होता ही नहीं है, CVC कपलर होता है, एच टाइप टाइट लॉक CVC कपलर, वो छोड़ के सिर्फ बॉडी का अगर पूछे तो 23,540 होता है, ठीक है, 23,540 याद रखिएगा LHB कोच की लंबाई ओवर बॉडी। उसके बाद देखिए, वाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC एबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? जब गाड़ी खाली हो, एम्प्टी व्हीकल हो, तो मैक्सिमम जो उसका CBC हाइट होगा 1105 होगा, 1105 mm। और ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, वाइट द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोच? LHB का जो स्पीड पोटेंशियल क्या है, 160 किलोमीटर का अभी है, और इसको 200 किलोमीटर पर आवर के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, अपग्रेडेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज इन LHB कोचेज? जो LHB कोचेज हैं उसमें किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का यूज होता है? तो उसमें CTRB यूज होता है, कार्टेज टाइप का रोलर बेयरिंग, बहुत ही ईजी है और बहुत सारे परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर छः देखिए, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHB कोच? LHB का जो व्हील फ्लेंज है उसका थिकनेस 29.4 mm होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ मेनी CTBU आर यूज्ड ऑन LHB कोच में? CTRB तो एक कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग होता है, ये कॉम्पैक्ट टेपर रोलर बेयरिंग होता है, कॉम्पैक्ट टेपर रोलर बेयरिंग वो दो यूज होते हैं LHB कोचेज में, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ TeamChem CTBU? जो TeamChem एक कंपनी का नाम है, ठीक है, इसकी जो CTBU होती है उसकी जो टेम्परेचर लिमिट है 80 डिग्री होता है, 80 डिग्री। आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज, जो टू कोचेज का कपलिंग करेंगे तो इसका क्या कंडीशन होना चाहिए? देखिए, पहला कंडीशन है बोथ कपलर शुड बी अलाइनमेंट, ठीक है, दोनों का कपलर जो है अलाइनमेंट में होना चाहिए। उसके बाद बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज में होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा CA और B दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोच? LHB कोच का जो रूफ से लेकर नीचे तक का हाइट होता है कोच का, बोगी फिएट जो बोगी उसको छोड़ के, वो 4,039 होती है, ठीक है, याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपसे पूछ सकता है, पूरा आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड फॉर्म कंडीशन इज, जो बफर ड्रॉप का जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 75 mm का है, ठीक है, याद रखिएगा 75 mm ग्रॉस लोड में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज इज डन? जो D2 होता है वो 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज होता है D2, ठीक है, याद रखिएगा D2। D1 होता है एवरी ट्रिप, ठीक है, ट्रिप शेड्यूल भी उसको कहा जाता है D1, और D2 हो गया 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13,
एसएस वन यानी शॉप शेड्यूल वन ऑफ एलएचबी कोच इज डन। एलएचबी कोच का जो शॉप शेड्यूल वन है वो होता है 1.5 ईयर या 6 लाख किलोमीटर अर्नेड विच एवर इज ईयरलियर, मतलब जो पहले हो जाए, या तो 1.5 साल हो जाए या 18 महीना हो जाए या 6 लाख किलोमीटर हो जाए, उसी में आप उसको एसएस वन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। आईओएच ऑफ एलएचबी कोच, आईओए जो होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, वो 18 महीने पर होता है एलएचबी कोचेस का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन, आउट स्टेशन के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज अगर आपसे पूछेगा तो 90%, और ओरिजिन स्टेशन पर ब्रेक पावर परसेंटेज पूछेगा तो 100% लगाइएगा, इसका 90 आंसर होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको आते हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन, वर्टिकल जो स्लाइड होता है उसको प्रोटेक्ट करने का एक डिवाइस होता है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है ये आपको पूछ रहा है, तो उसको रेस्ट्रिक्टर कहा जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17। 17 में क्या बोलता है, वाई डैम्पर या डैम्पर इसको बोला जाता है इज फिटेड ऑन, कहाँ फिट किया जाता है, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम, इस तरह से टेढ़ा फिट किया जाता है, कहाँ, सेकेंडरी सस्पेंशन में, एक इधर साइड और एक उधर साइड। ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों साइड में दो वाई डैम्पर होते हैं, एक ट्रॉली में, ठीक है, एक फिएट बोगी में, पूरा कोचेज में चार होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेज, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है वो डीसीपी टाइप का होता है। ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर उसको कहा जाता है, और इसको रिफिल करने का जो टाइम होता है एवरी ईयर यानी कि आफ्टर 1 ईयर इसको फिर से रिफिल किया जाता है, जो कि आग बुझाने के काम में आता है। तो 19 भी हो गया, 20 देख लीजिए। हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर आर यूज इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में 18 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के और कुल 18 कोई शॉक एब्जर्वर यूज होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, प्राइमरी सस्पेंशन में एक होता है, जो कि दोनों साइड, अगर ये कोच ही अगर है इस तरह से, अगर कोच हम मान लें इस तरह का ही कोच होता है एलएचबी का, ठीक है, एक यहाँ होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा, दोनों प्राइमरी सस्पेंशन में दो हो गए, ठीक है, एक यहाँ होगा वाई डैम्पर जिसको बोला जाता है, 3 हो गए, और एक यहाँ होगा लेटरल डैम्पर जिसको बोला जाता है, ठीक है, और एक यहाँ होगा, तो यहाँ 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 और 1 5, ठीक है, और 4 वहाँ भी होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, इसको बोला जाता है प्राइमरी सस्पेंशन। ठीक है, ये दोनों को प्राइमरी सस्पेंशन बोला जाता है, इसको भी प्राइमरी सस्पेंशन बोला जाता है, इसको सेकेंडरी सस्पेंशन, तो प्राइमरी सस्पेंशन में 1 2 3 4 होंगे, ठीक है, और सेकेंडरी सस्पेंशन में 4 होंगे, 8 होंगे और एक लेटरल डैम्पर होगा, 9 होंगे, एक फिएट बोगी में और पूरे कोच में कितने होंगे, 18 होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, आपको जो ये टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक 170 Nm होता है, जो डैम्पर्स होते हैं उसका आपको एक्सपेंडेड साइज वगैरह भी पूछ सकता है, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियो को आपको देखना ही होगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी ठीक से नहीं होगी, और ख़ासकर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का वीडियो है वो सब आपको देखने होंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर करके एक लिस्ट हमने प्ले लिस्ट में बनाया है, उस लिस्ट को आप देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच का जो ब्रेक सिस्टम का प्रिंसिपल मैंने किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम के पॉलिसी पर यह काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक, सीआर टैंक का कैपेसिटी 6 लीटर का होता है, उसमें जो सीआर टैंक होता है एलएचबी कोच में उसका 6 लीटर का कैपेसिटी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप, बीसी लाइन का ब्रांच पाइप का जो डायमीटर होता है वो 18 mm का होता है। ब्रेक एक्सलेटर इज है, क्या होता है ब्रेक एक्सलेटर इज, क्या है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, ब्रेक एक्सलेटर क्या है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है।
प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ द रैक, ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है, इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर जो एक्चुएट मतलब स्टार्ट होने के लिए मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर कितना होना चाहिए, 1.6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इतना होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितने प्रकार के प्रेशर टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, हाउ मेनी कितने, चार टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइड फॉर हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक जिसको बोला जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है कि हैंड ब्रेक को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पार्किंग ब्रेक। और व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइड फॉर नेम्ड हैंड ब्रेक या फ्लैक्स पोल केबल, इसका नाम है। उसके बाद ESD, तो आपको मालूम होगा एंटी स्लिप डिवाइस होता है, क्योंकि चक्का को स्लिप नहीं होने देने के लिए डिवाइस लगाया जाता है, जैसे कि डंप वॉल्व। तो चलिए डंप वॉल्व से भी एक प्रश्न आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वॉल्व का क्या यूज है, क्या पर्पस है, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ द एक्सल, क्या करता है सभी एक्सल के स्पीड को एक जैसा बनाता है, मतलब एक ही स्पीड में चलने के लिए इसको यूज किया जाता है डंप वॉल्व को, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, व्हील को स्कीड होने से बचाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर फॉर डंप वॉल्व ऑपरेटिव, डंप वॉल्व को ऑपरेटिव के लिए इलेक्ट्रिसिटी आपने 24 वोल्ट सोचा होगा, लेकिन इसका आंसर 110 वोल्ट होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी इनपुट 110 वोल्ट ही होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ से इसको मदरबोर्ड से फिर इसको 24 वोल्ट मिलता है वर्किंग के लिए, ये क्या है ऑपरेटिव के लिए, अगर वर्किंग के लिए पूछे तो 24 वोल्ट आप लगाएंगे डंप वॉल्व का, लेकिन ऑपरेटिंग के लिए आप 110 वोल्ट ही आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट आने लगता है कि सर 24 वोल्ट डीसी होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल ही सही है 110 वोल्ट डीसी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो घरेलू विद्युत के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है कितना होता है, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट भी होता है, ठीक है, 220, लेकिन हम लोग अभी तो CFL बल्ब या जो बल्ब है 100 वाट का भी बल्ब चलाते हैं, 9 वाट का भी बल्ब जलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको 9 वाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है, इसका आंसर पक्का 100% सही है 110 वोल्ट, ठीक है, DC इनपुट वही होता है, आउटपुट भरे 24 वोल्ट होता है। ऐसे और गहराई में जाना चाहेंगे तो 16 से लेकर 150 वोल्ट DC इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है 24 वोल्ट DC डंप वॉल्व के लिए, और यही इसका गहराई है। आगे देखते हैं 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का पर्पस क्या होता है, तो कंप्यूट रेगुलेशन फॉर ईच एक्सल, हर एक्सल में जो इसका जो स्पीड है उसको मापता है वो स्पीड सेंसर, ठीक है, ये फोनिक व्हील के माध्यम से, इस तरह का फोनिक व्हील होता है जिसमें कि 80 दांत लगे होते हैं, ठीक है, इसी दांत का एक स्पीड सेंसर उसको मापता है, ठीक है। इन नोर ब्रेमसे सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू, नोर ब्रेमसे जो सिस्टम है मतलब जो कंपनी के नाम है उसमें BP लाइन से कनेक्ट होता है प्रेशर स्विच। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ़ एंटी स्किड सिस्टम नोट एचुएट द रीजन में भी, मतलब एंटी स्किड सिस्टम नहीं स्टार्ट हो रहा है इसका क्या होगा, फ्यूज नंबर 63 एंड 65 में ब्लोन, मतलब जो खराब हो गया होगा उड़ गया होगा फ्यूज हो गया होगा 63 और 65 स्विच फ्यूज नंबर, या सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में भी डिस्टर्ब, जो प्रेशर स्विच का सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में 99 कोड शो किया तो ऑल इज वेल, याद रखिएगा ऑल इज वेल मतलब होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इफ़ माइक्रो प्रोसेसर शो 73 कोड मीन्स 73 दिखाया तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, ठीक है, कुछ एक्सलों में परमानेंट फॉल्ट आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, PEASD स्टैंड फॉर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाउ कैन आइडेंटिफाई द एक्चुएट पोजिशन ऑफ चैन पुलेट। चैन पुलिंग हो चुका है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? पुल बॉक्स विल डाउन, पुल बॉक्स क्या होगा? डाउन पोजिशन में होगा। एंड हिसिंग साउंड, हिसिंग का साउंड सुना जाएगा, ठीक है, तब समझेंगे कि क्या है, चैन पुलिंग हो चुकी है। आगे देखते हैं, थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड होता है उसका 35 mm होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेस, ब्रेक सिस्टम में आप जाइएगा तो इससे भी ज़्यादा गहराई से उसको पढ़ाया गया है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 ± 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लेक एडजस्टर नट ऑफ केवी मेक ब्रेक सिलेंडर, करेक्ट उसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉक वाइज। केवी मेक जो ब्रेक सिलेंडर होता है, नोट ब्रेन से है ना, केवी उसका जो क्लॉक वाइज होता है। आगे देखते हैं, इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज इक्वल और मोर देन 0.6 bar, ठीक है, द ब्रेक इंडिकेटर क्या करेगा? रेड शो करेगा, रेड। सारा क्वेश्चन आपको रट लेना है। विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम बींग यूज इन LHB कोच में, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये। हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार्स नोन एज पार्किंग ब्रेक, हमने आपको पहले बताया, इससे प्रश्न बनते हैं। वाट आर मेन एडवांटेज टू एडॉप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन LHB कोच, क्यों इसको डिस्क ब्रेक सिस्टम अडॉप्ट किया गया है? ICF में तो नहीं है, LHB में क्यों लगाया गया है? तो वियर एंड टीयर ऑन व्हील इज मिनिमाइज, जो व्हील का जो घिसने वगैरह का जो सिस्टम है वो बहुत कम हो गया है, यानी कि व्हील का जो लाइफ बढ़ गया है। ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इज इंक्रीज, मतलब व्हील का जो लाइफ बढ़ गया हो तो इससे ही पता चलता है। उसके बाद देखिए, इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम देन ओल्ड सिस्टम, मतलब पहले वाला जो ब्रेक सिस्टम उससे इफेक्टिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क आप जब देखे होंगे, ये ब्रेक डिस्क जो है इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे कूलिंग बनाया रहता है, मुझे मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन खाली खाली जगह रहता है, ठीक है, तो क्यों दिया जाता है यही आपसे पूछ रहा है, खाली जगह क्यों दिया जाता है? तो इसका दोनों कारण है, कूलिंग इससे क्या होता है कि जब पहिया घूमती है तो उसमें हवा के वजह से ये कूलिंग हो रहता है, यानी गर्म नहीं होता है, और दूसरा क्या है, इसका वेट कम होता है, पूरे सॉलिड नहीं है, खाली जगह है, तो ये वेट को मिनिमाइज करता है। तो इसका आंसर एक्चुअली में दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी दिया है, आप ऑप्शन के अनुसार आप चुन सकते हैं, अगर आपको दोनों ऑप्शन में है तो बी लगाएंगे, ठीक है, टू मिनिमाइज वेट ऑफ ब्रेक डिस्क। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ब्रेक कैलिपर यूनिक माउंटिंग वोल्ट विद द हेल्प ऑफ, ब्रेक कैलिपर जो होता है वो M16 × 60 वोल्ट के इसको टाइट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रेक सिलेंडर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर शुड नॉट बी अलाउड, बेंट बिलो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रेक इंडिकेटर्स ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है, ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक आर अप्लाई, व्हाट रीजन में बी, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ब्रेक अप्लाई हो गया तो ब्रेक का जो इंडिकेटर है वो रेड होना चाहिए क्योंकि ब्रेक लग गया है, लेकिन ग्रीन शो कर रहा है, तो क्या है? सी आर ऑफ कोच आर नॉट चार्जिंग, सी आर का है कंट्रोल रिजर्वायर जो है चार्ज नहीं होगा, तो ब्रेक कैसे अप्लाई होगा? हैंड रिलीज वॉल्व जो होता है, हैंड रिलीज वॉल्व स्टक अप इन रिलीज पोजीशन में जाके, स्टक अप मतलब अटक गया होगा रिलीज पोजीशन में जाके, हैवी लीकेज इन बीसी लाइन में लीकेज होगा ज़्यादा, इसके वजह से भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, एक ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो रहा है, इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन, ब्रेक अप्लाई हो गया है, सिर्फ एक ही इंडिकेटर ग्रीन कर रहा है, तो इसका क्या होगा? सी आर ऑफ द कोच नोट चार्ज, सी आर चार्ज नहीं होगा। हैंड रिलीज वाल्व स्टक पोजीशन में होगा, ये भी सही है, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन में होगा, ये भी सही है, लेकिन ई गलत है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एक के बारे में बोल रहा है, सिर्फ एक इंडिकेटर के बारे में, इसका सी हो जाएगा, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन में होगा, क्योंकि सी आर चार्ज अगर नहीं होगा तो सभी दिखाएंगे ना, एक तो नहीं दिखाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 52 देखिए, इफ द हैंड ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन इवन हैंड ब्रेक इज अप्लाइड, द रीज़न क्या है? इसका होगा हैंड ब्रेक अप्लाई हो गया लेकिन हैंड ब्रेक का जो इंडिकेटर है ग्रीन शो कर रहा है,
रोलर वॉल्व ऑफ हैंड ब्रेक इन ऑपरेटिव, ठीक है, रोलर वॉल्व ऑफ हैंड ब्रेक इन ऑपरेटिव में होगा उसका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, हाउ कैन यू नो इफ एन एन आर वी इज डिफेक्टिव, एन आर वी मतलब नॉन रिटर्न वॉल्व डिफेक्टिव होगा, कैसे जानेंगे? तो नॉन रिटर्न वॉल्व कहाँ लगा रहता है, जो ये एक्चुअली रिजर्वायर है इसके पहले यहाँ पर लगा हुआ है एन आर वी, ठीक है, नॉन रिटर्न वॉल्व। तो हम कैसे जानेंगे कि ये नॉन रिटर्न वॉल्व डिफेक्टिव है, मतलब ये नॉन रिटर्न वॉल्व क्या आता है, सिर्फ प्रेशर इधर भेजता है, वापस नहीं आने देता है, ठीक है। तो देखिए, बाई चेक एफ पी प्रेशर सोज इन गेज इवन ओनली बी पी है होज, सिर्फ बी पी होज को कनेक्ट करके एफ पी का प्रेशर देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। बाई चेक नो प्रेशर इन रिजर्व आफ्टर कट ऑफ एफ पी प्रेशर, एफ पी प्रेशर को कट कर देंगे और उसमें प्रेशर नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्लाइम मतलब ये जो इसका मीनिंग क्या है ये पूछ रहा है। तो ये कपलर अभी आजकल के LHB के जो बनाए गए हैं, इस टाइप टाइट लॉक CBZ कपलर जो बनाए गए हैं, उसमें इस तरह का फीचर दिया गया है कि वो प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट के केस में वो क्या है, प्रोटेक्ट करता है, क्या होगा, एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस तरह का फीचर बनाया गया है। तो यही इसका 54 का ए हो जाएगा। ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड ऑन, ऑयल का है स्ट्रिक्टली मतलब शक्ति मनाही है, क्या है, कपलर हेड नकल एंड लॉक ऑफ CVC में यूज करने के लिए सख्त मनाही है। वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC का जो वर्टिकल गैदरिंग रेंज है वो 90 mm का होता है, ठीक है, 90 mm का। उसके व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, सपोर्टिंग डिवाइस जो जो आपका कपलर है CVC जो कपलर है LHB का इस टाइप टाइट लॉक CVC जो कपलर है वो इस तरह का मान लीजिए होता होगा, ठीक है, यही तरह इसके नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें कि इस तरह से स्प्रिंग लगे रहते हैं, इसी को सपोर्टिंग डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग, इसको क्यों दिया जाता है, क्या करता है, टू सपोर्ट ऑफ CVC, देखिए इसके वेट को ही क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ CVC, ये वर्टिकल फोर्स को मतलब ऊपर से नीचे का जो फोर्स आता है उसको भी इक्वलाइज कर रहा है। तो इसके लिए इसको इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 58। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी, कपलिंग ऑपरेशन के दौरान 2 से 3 किलोमीटर स्पीड होना चाहिए व्हीकल का। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी ऑन स्ट्रेट ट्रैक होना चाहिए, सीधा होगा तभी तो कपलिंग ठीक से होगा। अच्छा, येलो पॉइंट आज प्रोवाइडेड ऑन एक्सल बॉक्स इंडिकेटर, एक्सल बॉक्स का ऐसे इंडिकेटर होता है उसमें येलो एक पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या करता है, एक लोकेशन, वो एक जगह है जहाँ एक्चुअल टेम्परेचर बेरिंग कैन बी मेजर्ड, मेन जो टेम्परेचर बेरिंग का होगा वहीं पर उसको मेजर किया जाएगा। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन आपको हो गया है और इसको ध्यान से पढ़िए, संभव हो तो लिखिए, जिनके पास नोट्स है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो नोट्स से भी आपको याद हो गया है, और जिनको नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर 8121390916 पर संपर्क कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने मैसेज भेजा तो मैं तुरंत पढ़ लूँगा, जब भी व्हाट्सएप खोलूँगा तब तो आपका मैसेज पढ़ूँगा, और उसके लिए 1000 रुपये चार्ज भी लिया जाता है। फिलहाल इसका रेट अभी बढ़ने वाला है क्योंकि हर चीज़ तो महंगा हो गया है और ये कोई बिजनेस नहीं है, इसमें खर्च आता है जो आपसे लिया जाता है, तो अभी तो 1000 ही है, तो ये आपको देने पड़ेंगे यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों।